For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss an update from Bollywood Spy. बॉलीवुड में हमने कई पीरियोडिकल ड्रामास देखे होंगे, लेकिन कंगना रनौत स्टारर मणिकर्णिका वन ऑफ इट्स काइंड होगी, और इस बात का सबूत इस मच एंटिसिपेटेड मैग्नम ओपस की टीजर दे रही है। जी हाँ, कंगना रनौत स्टारर मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी के टीजर ने दिया इस दिन इंटरनेट पर दस्तक, जहां कंगना फियर्स क्वीन रानी लक्ष्मीबाई के किरदार में नजर आई। वहीं बंगाली सुपरस्टार जिशु सेन गुप्ता उनके पति और झांसी नरेश गंगाधर राव के किरदार में दिखाई दिए। बताते चले, डेब्यूटेंट डायरेक्टर क्रिश के निर्देशन में बनी इस फिल्म में कंगना और जिशु के अलावा टेलीविजन एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे और सोनू सूद भी मुख्य किरदार निभाते नजर आएंगे। वैसे साथ में ये भी बता दे, इस टीजर में दिखाए गए कुछ पलों में कंगना के ऑरा और उनकी फियर्सनेस ने इस फिल्म के लिए दर्शकों की एंटिसिपेशन को और भी बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, आपको फिल्म मणिकर्णिका का टीजर कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं हूं मंदिरा टैगोर, और बॉलीवुड से जुड़े ऐसे ही मसालेदार खबरों के लिए देखते रहिए बॉलीवुड स्पाई। चलिए भाई, बात करते हैं फिल्म भारत के बारे में, क्योंकि भारत फिल्म अभी चर्चाओं में फिर से वापस आ गई है। हम सब जानते हैं कि माल्टा में जब स्केड्यूल खत्म होता है दोस्तों, तो उसके बाद फिल्म के बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं होते। बस इतना आ रहा था सामने कि अबू धाबी में शूटिंग शुरू हो जाएगी। फाइनली दोस्तों, जो पूरा यूनिट है वो अबू धाबी पहुंच चुका है, और वहां पर शूटिंग मंडे से धड़ल्ले से शुरू हो जाएगी। आपको बता दूं, इससे पहले अली अब्बा जाफर पहुंचते हैं वहां पर, और शूटिंग स्केड्यूल की कुछ पिक्चर्स और प्लस साथ ही साथ अपनी लोकेशंस की पिक्चर्स को शेयर करते हैं अपने ट्विटर हैंडल में। उसके बाद ये पिक्चर्स वायरल हो जाती हैं, एंड फिर उसके बाद सलमान खान को स्पॉट किया जाता है अबू धाबी के एयरपोर्ट में। उसके बाद दोस्तों कैटरीना कैफ भी वहां पर पहुंच जाती हैं, एंड फाइनली अब स्केड्यूल जो है वो फिर से शुरू हो गया है। 1 तारीख से धड़ल्ले से फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी, जहां पर 2 हफ्तों का बेसिकली ये इतना लंबा स्केड्यूल है। 2 हफ्तों का पूरा स्केड्यूल में ये फिल्म शूट की जाएगी, और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस फिल्म के लिए, क्योंकि इसमें अली अब्बा जाफर, कैटरीना कैफ और सलमान खान फिर से एक साथ आएंगे। जब लास्ट टाइम ये तीनों एक साथ आए थे तो टाइगर जिंदा है जैसी बवाल फिल्म आई थी। इस फिल्म में दोस्तों नूरा फतेही के साथ साथ हमें हमारे द फेमस कमेडियन एंड एक्टर दोस्तों सुनील ग्रोवर जी भी दिखेंगे, और साथ ही साथ इसमें तब्बू भी हैं, दिशा पाटनी भी हैं, और बहुत सारे कलाकार हैं। देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि अबू धाबी से और कौन कौन सी पिक्चर्स हमारे सामने आती हैं। वेल, आपको बता दूं, इससे पहले जो शूटिंग के लिए ट्रायल किया जाता है, लोकेशन चेक, रेकी चेक, ये वो, इसकी भी बहुत सारी पिक्चर्स इंटरनेट पर अवेलेबल है। लेट्स सी भाईजान इस बार क्या गुल खिलाते हैं। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप भाई से मिलने जा रहे हैं कि नहीं अबू धाबी में, जहां जो आप लोग रहते हैं उसके आसपास अगर रहते हैं तो जाइए, जाकर भाई से मिलने का एक सुनहरा मौका है, उसे ग्रैब कीजिए। और हाँ, कमेंट सेक्शन में डाउन देयर मुझे ये बताएं कि भारत फिल्म के लिए आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, सारी बातें बोल दीजिए। और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग बातें मैं लाऊंगा ना, राहुल भोज, आपका फिल्मी आरा।